गाइस, हम चैप्टर नंबर 22 कर रहे थे क्लास 10th का, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में हमने टू, जो इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 22A and 22B भी कंप्लीट की है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर 22C स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल उसी के जैसी ही एक्सरसाइज है, वैसे ही क्वेश्चन है हमारे उसी टाइप के, तो बिल्कुल सिंपल है, करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो गिवन किया है एक फिगर और इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में इस टाइप से फिगर गिवन किया है हमें, इस टाइप से फिगर गिवन किया है, और इसमें क्या गिवन किया है देखो आपको, ये 32 डिग्री गिवन किया है एंड ये 90 डिग्री यहाँ पर ई पर, एंड ये ए ई डी, ये यहाँ पर सी, ओके, ये 20 मीटर गिवन किया है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ये 5 मीटर गिवन किया है, ये 5 मीटर गिवन किया है बी सी। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए डी की वैल्यू को फाइंड करना है, ए डी। अब देखो बी सी 5 मीटर होगा तो बी डी ई भी 5 मीटर होगा, तो ओनली सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए ई फाइंड करना है। तो ए ई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ए ई फाइंड करने के लिए हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, किसको, ए ई बी को। इसमें जो बी ई होगा वो भी हमारा 20 मीटर होगा, ओके। क्यों होगा 20 मीटर, ये 90 है, ये 90 एंड ये 90, तो रेक्टेंगल हो गया हमारा, तो ये अपोजिट साइड हमारी इक्वल होंगी। तो इसी टाइप से अगर हम देखें ये वाला ए ई फाइंड करना है, मींस इस एंगल के लिए ये बेस है हमारा और ये 90 है, तो 90 के अपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूस, ओके, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन रिलेशन बताता है, तो देखेंगे हम इन ट्राइंगल ए ई बी में। ए ई बी में हमारे पास टेन 32 है, टेन 32 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन बी ई के, ए ई अपॉन बी ई के। टेन 32 डिग्री कितना होगा हमारा, टेन 32 डिग्री इसको फाइंड करेंगे, तो टेन 32 डिग्री की वैल्यू चार्ट में देखेंगे हम, चार्ट में देख लेते हैं इसकी वैल्यू पहले। तो ये हमारा टेन वाला चार्ट है हमारा, टेन वाले चार्ट में टेन 32 की वैल्यू देखनी है आपको, क्या है, 0.6249। तो 0.6249 बोलेंगे इसको हम, 0.6249। तो ये हमारा 6249, ओके। ये किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन बी ई, बी ई कितना है हमारा 20। अब इस 20 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.6249 इंटू कर लेंगे 2e इक्वल्स टू ए ई, ओके। अब यहाँ पर इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको अगर हम, तो देखो पॉइंट हटाते हैं नीचे, कितना आएगा, 4 टाइम्स जीरो जाएंगी, एक जीरो इसमें कैंसिल हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 9 18 का 8, 2 9 18 का 8, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 2 4 एंड 2 6 12। नाउ अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा ये हमारा ए ई। अब देखो ए ई हमारा आ गया कितना, 12.498, ओके 12.498। तो देन हमारा ए डी कितना हो जाएगा, ए डी कितना हो जाएगा, ए ई प्लस, ए ई प्लस ई डी। ए ई की वैल्यू कितनी है हमारी, 12.498 प्लस ई डी की वैल्यू 5 है, ई डी की वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 17.498। ये लिख सकते हो, राउंड ऑफ करोगे तो इसको कितना हो जाएगा, 17, ये 1 कैरी हो जाएगा 0, फिर ये 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 50, ओके, इतना मीटर आ जाएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका हम, तो सेकेंड पार्ट में क्या गिवन किया है हमें, सेकेंड पार्ट में देखो ऐसे ही फिगर गिवन किया है इसने, और इसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, इसमें भी ए डी फाइंड करना है। कैसे करेंगे ए डी फाइंड, इसके फिगर को आपको इस टाइप से बना लेना है, ये हो गया इसका फिगर सी एंड ये बी, ये ए, और इसमें गिवन किया है 30 मीटर, ओके, ये गिवन किया 48 डिग्री, एंड ये साइड्स हमें इक्वल गिवन किए, ओके। नाउ हमें ए डी फाइंड करना, ए डी फाइंड करने के लिए क्या करें, अब देखो ए डी फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ए डी फाइंड करने के लिए अगर हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, लेंगे हमेशा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं हमेशा हम हाइट एंड डिस्टेंस में, तो या तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, लेकिन इस ए डी सी में अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ कोई भी साइड गिवन नहीं है, एक एंगल तो गिवन है, कोई भी एक साइड गिवन नहीं है, तो कम से कम एक साइड चाहिए हमें, तब हम दूसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे ट्रायंगल ए डी बी में, इस ए डी बी में
हमारे पास ये ए बी साइड है तो हम ए डी निकाल सकते हैं, लेकिन तब निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये वाला एंगल हो या फिर ये वाला एंगल हो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये साइड इक्वल है तो ये हो गया हमारा बी सी ए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसको एक्स तो ये भी एक्स, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है एंगल ए सी डी जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी ए के, सी बी ए प्लस एंगल सी ए बी के। तो ए सी डी, ए सी डी कितना है हमारा 48 डिग्री है, ओके, सी बी ए एक्स है, ये भी एक्स सेलेक्ट किया हमने, तो ये 48 इक्वल्स टू 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 डिग्री, ओके, x की वैल्यू हो जाएगी 24 डिग्री, x की वैल्यू 24 डिग्री हो गई। अब हम निकाल सकते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, अब हम निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में अगर हम देखें तो कितना आएगा हमारा 10 24 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमें और हाइपोटेनस गिवन है, तो बताओ क्या हम इसमें टेन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अब हम इसमें टेन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इस बार हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनस गिवन है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है कौन, साइन, तो इस बार लगाएंगे हम साइन, ओके, तो साइन 24 डिग्री, साइन 24 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ए डी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, हाइपोटेनस कितना 30, साइन 24 की वैल्यू देखेंगे, चार्ट पर चलते हैं, साइन 24 की वैल्यू देख लेते हैं इसमें, तो ये साइन का चार्ट आ गया हमारा, साइन में 24 की वैल्यू देखनी है तो कितनी है 0.4067, 4067, तो कितनी है 0.4067 इक्वल्स टू ए डी अपॉन 30, 30 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4067 इंटू 30, पॉइंट हटाएंगे नीचे 4 जीरोज आएंगी हमारी, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करें, 37 जा 21, 2 36 जा 18, 2 20 एंड 34 जा 12, पॉइंट आ जाएगा यहाँ तो आ जाएगा 12.201, कितना ए डी मीटर है, अगर ये वाली वैल्यू मीटर में तो ये भी हमारा मीटर में आएगा, ओके, इसको राउंड ऑफ करें तो अगर हम इसको 12.20 भी लिख सकते हैं, ओके, तो ये हो गया हमारा ए डी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी इज़ अ फ्लोर बोर्ड, पी क्यू आर एस इज अ क्यूबिकल बॉक्स विद एजेस 1 मीटर, एंगल बी आपको गिवन किया 60 डिग्री, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बोर्ड ए बी, ए बी की लेंथ आपको फाइंड करनी है, किस टाइप से कर सकते हैं, देखो लेंथ फाइंड सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है इसको, कैसे सिंपल है देखो, ये क्यूबिकल है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ओके, यहाँ पर ये 60 डिग्री गिवन किया है, ये कितना आपका बी, ये है ए बी, ए बी एंड आर, ये आर है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ओके, अब आपको फाइंड ए बी करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे ये हमारे, ओके, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे क्योंकि ये क्यूब है, ओके, अब हम अगर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से हम बी पी निकालेंगे, कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, तो देखेंगे इन ट्रायंगल पी एस बी में, पी एस बी में, इस पी एस बी में हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर गिवन है, देखो एंगल है यहाँ पर, एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फाइंड करना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है साइन, तो लगाएंगे यहाँ पर साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर पी एस अपॉन हाइपोटेनस बी पी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू पी एस 1 एंड बी पी फाइंड करना है हमें बी पी, ओके, ये बी पी कितना हो जाएगा हमारा, बी पी हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, कैसे, 2 इधर मल्टीप्लाई में रूट 3 डिवाइड में, ये हो गया हमारा बी पी। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ये ए पी, ए पी फाइंड करने के लिए ट्राइंगल देखेंगे क्या हम, इन ट्राइंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी में, ए क्यू पी में देखेंगे अगर हम, तो ये बेस है, देखो अब ये वाला एंगल भी तो 60 होगा, क्यों होगा 60, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल होंगी, क्यों होंगी पैरेलल, क्योंकि ये क्या है क्यूब्स की अपोजिट साइड है, क्यूब की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, और ये पैरेलल साइड है तो ये क्रॉसपेंडिंग एंगल होंगे, तो ये 60 हो जाएगा हमारा, लिख देंगे यहाँ पर क्रॉसपेंडिंग एंगल। अब यहाँ पर देखो आपको क्या फाइंड करना है, बेस गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है इसका हाइपोटेनस फाइंड करना, तो बेस और हाइपोटेनस रिलेशन कौन बताता है, कोस, तो हम लगाएंगे यहाँ पर कोस 60, कोस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है हमारा, कोस 60 किसके इक्वल होता है, बेस पी क्यू, बेस पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस ए पी, हाइपोटेनस ए पी,
बी कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। ओके, पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू 1 एंड ए पी हमें फाइंड करना है। ए पी कितना हो जाएगा, ये हमारा ए पी हो जाएगा 2 मीटर। ओके, ये 2 और ये 2/√3 कैसे सोल्व करेंगे, प्लस कर लेंगे इनको। अब हम इसकी वैल्यू सोल्व करने के लिए या तो आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, 2 √3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर, कितनी जीरो जाएंगे, 3 जीरोस। अब इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप 1732 को से डिवाइड करेंगे किसको, 2000 को, तो 1 टाइम्स में 1732, माइनस करेंगे 10 में से 2 8, 9 में से 3 6 एंड 9 में से 7 2। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट लेंगे और एक ज़ीरो लगा देंगे, फिर 1 टाइम्स में कितना 1732। अब यहाँ से 10 में से 2 8, 7 में से 3 4 और फिर यहाँ पर 6 रह गया, तो 1 कैरी लेंगे, 16 में से 7 9। नाउ अब हम यहाँ पर ज़ीरो लेंगे, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा ये हमारा, क्या ये 9 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, 8 टाइम्स में हो सकता है, 8 टाइम्स में भी करेंगे अगर यहाँ पर 8 7 जा 56 5 8 और 5 13 बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये हमारा कितने में हो रहा है, नियरली 5 7 जा कितने होते हैं हमारे, 5 7 जा 35 का 5 3 5 और 3 8, तो 5 टाइम्स में हो रहा है 1 पॉइंट। इसकी वैल्यू आ रही 1.15 के नियर बाई, 1.15 के नियर बाई, और ये 2 ये, तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा ए पी प्लस बी पी। ए पी की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी, 2 प्लस बी पी की वैल्यू 1.15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3.15। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कह रहा है कि कैलकुलेट बी सी, इसमें बी सी कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे इसको हम, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। करना क्या है इसमें, ये फिगर गिवन किया है यहाँ पर, ये 35, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, यहाँ पर ये 20 मीटर। ओके, ये 42। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, बी सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी डी में से सी डी को माइनस कर देंगे। बी डी और सी डी निकलेगा कैसे, बी डी और सी डी आप निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से, ए डी सी से निकाल सकते हैं हम सी डी, और ए डी बी से निकाल सकते हैं हम बी डी। ओके, तो निकालेंगे हम इसमें, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में हमारा कितना होगा, ए डी बी में अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये हमें परपेंडिकुलर है, ये हमें बेस फाइंड करना है, तो हम लगाएंगे 10 35। 10 35 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बेस बी डी। 10 35 की वैल्यू देखेंगे चार्ट से, 10 वाला चार्ट आ गया हमारा, 10 35 हमारा कहाँ रहा है, ये 10 35 0.7002 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.7002 इक्वल्स टू ए डी कितना है हमारा 20 एंड बी डी। ओके, अब बी डी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है अगर हमें, तो क्या करेंगे, बी डी इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, 2 / 0.7002, पॉइंट हटाएंगे ऊपर, कितनी जीरोस, 4 जीरोस आ जाएंगे हमारे पास। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे अगर हम 7002, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 और 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है, 2 लाख के नियर बाई आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या हम 2000 को कर लेंगे, नहीं, तो हम करेंगे 20000 को, 20000 इसमें नियरली किसके इक्वल आएगा, 20000 होगा हमारा 7 2 14, तो 14000 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे हम कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 2 4, 2 2 4 0 0 और 14। ओके, अब करेंगे इसको माइनस, माइनस करेंगे ये 10 में से 4 6 या 9 का 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 में से 4। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 हुआ होगा, फिर ये आगे नेक्स्ट गया होगा, तो यहाँ पर कितना रह गया होगा हमारा 9, तो यहाँ पर 9 है, 9 में से 4 कितना 5, ये हो गया हमारा, फिर ऊपर से ज़ीरो लेंगे, अभी 59000 हो गया, ये किसके नियत बाय आएगा हमारा, 7 8 56, 7 8 56, तो 7 8 56 करेंगे इसमें हम, 2 0s ये और 7 2s 14। ओके, अब इसको करेंगे हम
इधर से कैरी लिया 10 में से 4, 6 5 में से 1, 4 या 9, 9 में से 6, 3, ओके। पॉइंट लेंगे हैं 0, 39,460, 39,000 किसके नियर बाई आएगा, 7 4 28 होता है हमारा, 7 5 35, 7 6 42 हो जाएगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 5 35, 7 5 35 ले लेंगे हम इसमें, हम 7 5 35 ले लेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 7 2 14, ये 0, 7 5 35। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था, 8 2 16 होना चाहिए था यहाँ पर, 8 2 16 और 8 7 56, तो 10 में से 6 यहाँ पर 4 रहेगा हमारा, और यहाँ 5 में से 1 4, ओके। अब करेंगे इसमें हम इसको माइनस करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 होते हैं, 10 आएगा, 5 2 10, फिर यह 0, 5 7 35। अब करेंगे इसको, ये 0, 4 में से 1 3, 4 में से 0 4, 9 में से 5 4, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, एक और जीरो लगाएं क्या हम इसमें, यस एक और जीरो लगा लेंगे हम, तो 44 हो जाएगा, और 7 6, तो 28 पॉइंट नियर बाई इसकी वैल्यू आ रही है, 28.56, ओके 28.56 ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें सी डी निकालनी है, सी डी निकालेंगे, देखेंगे कितनी आ रही है सी डी हमारी, तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में देखेंगे अगर हम, तो एंगल इस बार यहाँ पर है, इस बार एंगल यहाँ पर है, फाइंड करनी है हमें सी डी वैल्यू, तो ये एंगल के अपोजिट वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगा हमारा बेस, परपेंडिकुलर बेस रिलेशन में कौन बताता है, टेन ही बताता है हमारा, तो 10 42 अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस ए डी अपॉन बेस ए डी के, ओके। ए डी कितना है यहाँ पर, 20 ले सकते हैं हम। अब 10 42 की वैल्यू देखेंगे, 10 42 की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 10 42, और 10 42 है हमारा 0.9004, तो यहाँ पर है 0.9004 इक्वल्स टू सी डी अपॉन 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, 0.9004 इंटू 20 इक्वल्स टू सी डी, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना 10,000 00 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 0 0, 2 8 2 9 18, 1000 से डिवाइड करेंगे, 18.008 आ रहा है सी डी की वैल्यू 18.008 आ गई। नाउ अब अगर हम इसको माइनस करते हैं, तो इसकी वैल्यू किसकी नियर बाय आएगी हमारी, इसकी वैल्यू तो हमारी नियर बाय आ रही है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड की वैल्यू हमारी देखेंगे हम कितनी आ रही है, हमें चाहिए बी सी, अगर हमें बी सी चाहिए तो बी सी किसके इक्वल होगा हमारा, बी सी होगा बी डी माइनस सी डी के, बी डी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी डी की वैल्यू 28.56 माइनस सी डी की वैल्यू कितनी है हमारी 18.008, माइनस करेंगे इसको 28.56 और यहाँ पर 18.008, यहाँ पर तो 3 डिजिट है, यहाँ पर सिंगल डिजिट, मतलब इसको एक टाइम्स और करना पड़ेगा, फिर हमें एक डिजिट और देखनी पड़ेगी ये किसके नियर बाय आएगी, ओके। जैसे हमने इसको 7 6 6 टाइम्स में कर रहे थे, 6 2 12, 6 2 12, 6 7 42, फिर माइनस करते हैं इसमें 10 में से 2 8, 9 में से 1 8, फिर यहाँ 2 में से 0 2, 4 में से 2 2, फिर एक और जीरो लेते हैं, तो इसकी वैल्यू फिर यहाँ पर किसके इक्वल होती है, 7 2 यहाँ 2 होता हमारा। अब इसको माइनस करेंगे हम, 1 कैरी लेंगे, 12 में से 8 4, यहाँ 5, यहाँ पर 5, यहाँ पॉइंट या 0 और यहाँ 1, तो 10 पॉइंट वैल्यू आ रही है इसकी, समथिंग हमारी 10.554, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा गाइज। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें हम, तो देखो कैलकुलेशन आपको बड़ी ध्यान से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इसलिए हम आपको कैलकुलेशन भी करा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कैलकुलेट ए बी कैलकुलेट करना, और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, कैसे करेंगे ए बी कैलकुलेट। देखो ए बी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ए डी फाइंड कर लेंगे, डी बी फाइंड कर लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे सिंपल। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ई ए डी में देखते हैं, तो ई ए डी में अगर हम देखें
ये हाइपोटेन्यूज साइड गिवन है और ये हमें बेस फाइन करना है, क्योंकि एंगल यहाँ पर बन रहा था बेस है, ये 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन बताता है कौन हमारा कोस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर, मतलब बेस, बेस ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ई डी, और कितनी है 6। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, ये ए डी अपॉन 6। 6 इधर मल्टीप्लाई आएगा, ये ए डी है, इस 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 √3/2, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√3। ओके, 3√3 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 3 6, 2 3 3 9, 3 7 21 का 1 2 3 2 5, तो 5.1 मीटर हो गया। ओके, अब देखेंगे हम ट्रायंगल सी बी डी में, इसमें देखेंगे हम ट्रायंगल सी बी डी में। सी बी डी में देखो ये वाली साइड गिवन है, यहाँ पर एंगल है और हमें ये फाइंड करना है। तो ये एंगल के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, और जो एंगल होता है एंगल के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनस गिवन किया, तो लगाएंगे साइन, साइन लगाएंगे तो साइन 47 डिग्री इक्वल्स टू होगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन हाइपोटेनस सी डी 5 मीटर लेंगे। साइन 47 की वैल्यू देखेंगे चार्ट से, तो ये हमारा साइन वाला चार्ट हो गया, और साइन 47 की वैल्यू देखनी है हमें, तो साइन 47 की वैल्यू ये रही हमारी 7314, ये वैल्यू हमारी किसकी, 47 की, साइन 47 की 7314। ओके, अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.7314 × 5 इक्वल्स टू बी डी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 का 0 2 कैरी, 5 4 2 7, 5 3 15 का 5 1 कैरी, 5 7 35 4 1 36, तो ये हो जाएगा हमारा 3.6, ये हो जाएगा हमारा। अब नाउ हम क्या कर लेंगे, इसमें ए बी फाइंड करेंगे, और ए बी किसके इक्वल होगा हमारा, ए डी प्लस डी बी। ए डी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए डी की वैल्यू 5.196 प्लस बी डी की वैल्यू कितनी 3.6570, प्लस करेंगे इसको, 7 और 6 13 का 3 1 कैरी, 5 और 9 14 और 1 15 का 5 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8.8, तो आ गया 8.853 मीटर। ओके, ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू, सिंपल है क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर एंड कोड ए बी सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 131 डिग्री एट द सेंटर। सी ऑफ अ सर्कल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। किस टाइप से कह रहा है, कह रहा है कि इस टाइप से सर्कल है, ओके, इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड द कोड ए बी सबस्टेंड एंगल ऑफ 131 डिग्री एट द सेंटर। एक कोड है हमारी ए बी जो सर्कल पर कितना एंगल सब्सटेंड करती है, सेंटर पर, सॉरी, जो सेंटर पर कितना एंगल सब्सटेंड करती है, जो सेंटर पर करती है 131 डिग्री एंगल। ओके, 131 डिग्री एंगल सब्सटेंड करती है सेंटर पर। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, अगर इसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर है, यस 15 सेंटीमीटर है। ओके, एंड आपको क्या फाइंड करना है इसमें, एंड फाइंड करना है आपको द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर, मीन्स अब सेंटर से ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है, इसको हम लेट कर लेते हैं डी। ओके, ओ डी भी फाइंड करना है और ए बी भी फाइंड करना है। अब आपको पता है कि जो सेंटर से कोण पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, एंड ये बोथ 90, तो बाय आरएचएस ये कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से ये साइड इसके इक्वल, सीपीसीटी से ये एंगल भी हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये 131 है, तो ये होगा 131 का हाफ। 131 का हाफ करोगे आप, 131 का हाफ करोगे कितना आएगा हमारा, 131 का हाफ आएगा हमारा 2 6 12, 2 6 12, 1 कैरी 2 5 10, 65 1 1/2, ओके 65 1 1/2 बोलेंगे इसको हम, तो 65 का डबल हमारा 130 और हाफ हाफ 1, तो 65 1/2 ये हो गया हमारा, मतलब 65 डिग्री 30 मिनट, एंड ये भी हमारा 65 डिग्री 30 मिनट। ओके, अब हमें फाइंड करना है ये ए बी। अब ए बी फाइंड करने के लिए हम दोनों में से किसी एक ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, अगर हमने ए डी फाइंड कर लिया, ए डी का डबल क्या होगा हमारा, ए बी होगा, क्योंकि ए डी जितना है उतना ही डी बी होगा हमारा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ए डी किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ओ डी ए में, ओ डी
ए में, ओ डी ए में अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला एंगल, ये एंगल है हमारा ए डी, हमें फाइंड करना है एंड हमें ये हाइपोटेनस गिवन की है 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें गिवन की है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है तो हम यहाँ पर लेंगे साइन, क्योंकि हमें साइन और यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है। तो साइन कितना, साइन 65 डिग्री 30 मिनट किसके इक्वल, परपेंडिकुलर ए डी एंड बेस, और बेस नहीं हाइपोटेनस 15। ओके, अब साइन 65 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू देखेंगे, चार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर 65 डिग्री और 30 मिनट की वैल्यू देखेंगे, तो ये वैल्यू है हमारी यहाँ पर 91, क्योंकि देखो ये 30 मिनट पर आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है हमारी 91 00, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, इससे पहले पॉइंट होगा 0.91 00, तो ये वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर 0.9100। ओके, इक्वल्स टू ए डी अपॉन 15 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9100 इंटू 15 इक्वल्स टू ए डी, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 91 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम किससे 15 से, तो कितना आता है हमारा 5 5 9 से 45 15 19, यहाँ पर 5 ये 6 9 और 4 13, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। अब अगर हम इसमें देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 30, सिर्फ हमने 91 को मल्टीप्लाई किया, तो पॉइंट हटाकर अगर हम यहाँ पर 4 times 0 लिखते तो 20 से 20 कैंसिल हो जाती, पॉइंट हटाकर अगर हम इसमें 4 times 0 लिखते तो 20 से 20 कैंसिल हो जाती, बचता 100, अब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.65 AD की वैल्यू आ गई। तो ए बी कितना होगा हमारा, ए बी होगा ट्वाइस ऑफ ए डी, तो ट्वाइस ऑफ ए डी करेंगे अगर हम इसमें 13.65 कितना आएगा, इसको डबल करो 2 5 10 का 0 1 कैरी 2 6 12 और 1 13 का 3 1 कैरी 2 3 6 और 1 7 2 1 2, तो यह आएगा 27.30 सेंटीमीटर। ओके, ये जाएगा 27.30 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें ओडी फाइंड करना, ओडी फाइंड करने के लिए किसी भी ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे अगर हमने किया ट्रायंगल किसका, ओडी ए का ही यूज़ किया हमने, ओडी ए का ही यूज़ किया, हमें चाहिए ए वाली साइड, और ये क्या है इस एंगल के लिए बेस, ये इस एंगल के लिए बेस है, ये बेस और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन बताता है, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है हमारा कोस, तो हम इसमें कोस लगा सकते हैं, कोस ले सकते हैं, या फिर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं टेन, टेन का भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे, ये वाली वैल्यू है हमारे पास 13.65, ये 13.65 है, चलो हम इसे कोस से करते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा कोस कितना 65 डिग्री 30 मिनट। ओके, फिर ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा हमारा ओ डी बेस होगा, एंड ए ओ क्या होगा हमारा हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस 15 लेंगे। अब देखो कोस 65 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखते हैं चार्ट में। तो यहाँ पर हम कोस के टेबल पर आ गए, कोस 65, कोस 65 डिग्री और 30 मिनट की वैल्यू 4147, तो ये 4147 0.4147 इसकी वैल्यू लेंगे हम 0.4147। ओके, नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, ओ डी और 15 की कर देंगे मल्टीप्लाई, ये 15 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगी इसकी वैल्यू, ओ डी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 4 जीरोज़ लगेंगे हमारे, 15 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4147 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 35 5 3 कैरी 5 4 20 और 3 23 2 कैरी 5 4 2 7 5 4 20। ओके, नाउ अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 1 4 एंड यहाँ पर 5 7 5 7 3 10 का 0 1 12 का 2 1, यहाँ 2 और ये 6, तो ये हो जाएगा हमारा 66 2 2 0 5, पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारा 6.2 सेंटीमीटर ओडी की वैल्यू। ओके, इसको 6.22 भी राउंड ऑफ में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 5, तो ये ओडी की वैल्यू होगी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर्ड, एंड ये हमारा ए बी हो गया कोर्ड की लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवार्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 3/4, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कहना चाह रहा है अभी, देखो एंगल इसने किस फॉर्म में दिए हैं, इसने कहा है कि एक वर्टिकल टावर है जिससे
ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, कि मींस ये जो एंगल बनता है ना, यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू 5/12 है, ये कह रहा है। टेंजेंट की वैल्यू कितनी है, 5/12 है। ऑन वॉकिंग टुवार्ड्स 129 मीटर, अगर हम इसकी तरफ 129 मीटर चलते हैं, 192 मीटर चलते हैं इसकी तरफ, तो इसका एंगल टेंजेंट कितना हो जाता है हमारा, इसका जो टेंजेंट हो जाता है, इसका जो टेन थीटा हो जाता है, वो किसके इक्वल हो जाता है, 3/4 के इक्वल हो जाता है। तो हाइट ऑफ द टावर बतानी है आपको, मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर ए बी है। ओके, सिंपल बताएंगे इसमें हम कैसे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम टावर की हाइट को एक्स लेट कर लें, ओके, और इसको वाई लेट कर लें, अब क्या करेंगे हम। सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी में, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो पहले आप, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब आपको ध्यान रखना है सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू बतानी है ए बी डी में। ए बी डी में अगर हम लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ए डी मतलब एक्स, और बेस बी डी मीन्स 192 प्लस वाई। टेन थीटा की वैल्यू 5/12 पुट करनी है, इक्वल्स टू आ गया हमारा एक्स अपॉन 192 प्लस वाई। अब ये 192 प्लस वाई इधर हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, और ये 12 इंटू एक्स। नाउ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 1 कैरी, 5 9 45 और 146, 4 5 4 9, ओके, प्लस 5 वाई इक्वल्स टू 12x। नाउ हम क्या करेंगे इसमें हम देखो, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसे y को भी x की टर्म में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं, क्योंकि अभी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब हम y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x किससे निकालेंगे ए बी सी से। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हमने देखा, ए बी सी में, तो यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है, किसके इक्वल आएगा हमारा, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बेस वाई के। अब देखो ये दोनों थीटा नहीं ले सकते हम, इसलिए इसे थीटा वन और थीटा टू लिख सकते हो आप, ये थीटा वन थीटा टू। नाउ अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा टू की वैल्यू 3/4 है, तो ये एक्स अपॉन वाई, वाई की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आप क्या कर लो, यहाँ पर वाई को इधर लेके आ जाओ, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 3 को डिवाइड कर दो। अब इस वाई की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा हमारा, 960 प्लस 5, वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे, 4x/3, ओके, इक्वल्स टू 12x। नाउ 960 प्लस 5 4 20, एक्स डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 12x, इसको इधर माइनस करेंगे, 960 इक्वल्स टू 12x माइनस 20x डिवाइड बाई 3। अब इसको करेंगे हम 960 डिवाइड बाई 3, 12 3 36 माइनस 20x, अब ये क्या हो जाएगा, 960 और 3 ज़्यादा लगाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ओके, ऊपर इनको माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 16x, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 960 इंटू 3 डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू एक्स, 16 6 3 18, तो ये हो जाएगा 18 क्या, मीटर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा मीटर में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 मीटर। सिंपल ये 18 मीटर नहीं होगा, ये 60 होगा ना, तो ये 180 मीटर होगा हमारा, क्यों, क्योंकि 16 6 96 होते हैं, एक जीरो तो रह गया इसका, तो 180 मीटर इसका आंसर आएगा, 180 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो गई हमारी, 180 मीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h मीटर। इस टाइप से कह रहा है कि वर्टिकल टावर है जो प्लेन के ऊपर स्टैंड है, एंड इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, ओके, जिसकी हाइट h मीटर है। अब ये क्या कह रहा है इसमें, हाइट h मीटर, एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ, फ्लैग जो स्टफ है इसकी जो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, अल्फा है, एंड इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, बीटा है, ओके, ये कह रहा है इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, ये जो हाइट होगी इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर होगी एक्स। इसको आपको प्रूव करना है कि किसके इक्वल है, टू प्रूव करना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या ये जो हाइट ऑफ टावर होगी मीन्स ये जो एक्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ओके, ये करना है आपको, करेंगे इसके प्रूफ में। सिंपल है, देखो दिखने में आपको टफ लग रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैसे है? इसको वाई लेट कर लेते हैं, ओके, ये हो गया हमारा ए बी सी डी। नाउ अब अगर हम देखें किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल देखें हम, ए
सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी में। ए सी डी में देखो अगर हम टेन बीटा देखें तो टेन बीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए सी अपॉन बेस कितना है डी सी। टेन बीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी की वैल्यू होगी एच प्लस एक्स डिवाइड बाय वाई। अब हम क्या करेंगे देखो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं आगे आपको पता चलेगा क्यों फाइंड कर रहे हैं। देखो वाई की वैल्यू निकालने से ये होगा, देखो यहाँ से भी हम वाई की वैल्यू निकालेंगे और इस वाले छोटे ट्राइंगल से भी हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, इन ट्राइंगल अगर हम देखें बी सी डी में, तो बी सी डी में भी हमारा टेन एल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बेस वाई। तो वाई की वैल्यू यहाँ से भी कितनी जाएगी हमारी, एक्स अपॉन टेन एल्फा। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को दोनों वाई और वाई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम इक्वल रख लेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल रख लेंगे, देखो एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा बचेगा हमारे पास, क्योंकि वाई का तो हमारा कुछ रोल है ही नहीं इसमें, वाई तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हमने वाई को हटा दिया है इसमें से, एक्स अपॉन टेन एल्फा। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को एक जगह करने के लिए इसको सोल्व करेंगे, टेन एल्फा को उधर लेके आएंगे, टेन एल्फा एच प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स और ये इधर हो जाएगा टेन बीटा। अब ये टेन एच से मल्टीप्लाई होगा तो ये एच टेन एल्फा प्लस एक्स टेन एल्फा इक्वल्स टू एक्स टेन बीटा। नाउ चाहिए हमें किसकी वैल्यू, हमें चाहिए देखो एच टेन एल्फा, हमें चाहिए एच टेन एल्फा और डिवाइड में क्या चाहिए टेन बीटा टेन एल्फा। तो हम क्या करेंगे इस एक्स टेन एल्फा को उधर लेके आ जाएंगे, ओके एच टेन एल्फा यहाँ पर बचेगा हमारा, एच टेन एल्फा यहाँ बचेगा और ये वाली वैल्यू इधर उठा कर लेके आएंगे तो ये जाएगा एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन एल्फा। ये एच टेन एल्फा दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। अब ये टेन बीटा टाइम टेन एल्फा को हम यहाँ पर डिवाइड में लेके आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, ओके ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा एच टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, ओके ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन का प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था एच टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। क्वेश्चन नंबर एट करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे, कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द गिवन फिगर ए मैन स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड एट अ पॉइंट ए, ए पर विच इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एज बी द फुट ऑफ द वर्टिकल पोल बी सी, बी सी वर्टिकल पोल, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर है, मैन आई इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ सी द टॉप ऑफ द पोल एज एक्स डिग्री वेयर 10 एक्स डिग्री इज इक्वल टू 2/5। तो एक्स की वैल्यू दी है 10, एक्स की वैल्यू दी है 2/5 डिग्री। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी, ओके ए बी डिस्टेंस फाइंड करना, ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। सिंपल है देखो क्वेश्चन ये, कैसे अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन कर दिया है तो वो तो सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें सारी वैल्यू आपको पता होती है कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है सिंपली। तो यहाँ पर हमें ये दिया है बी ए डी, ओके इसको ई मान लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये हमारा एक्स डिग्री है और यहाँ पर ये टू मीटर है, ये टू मीटर तो ये टू मीटर होगा, ये टोटल टेन मीटर है तो ये एट मीटर होगा क्योंकि बी सी टेन मीटर दिया है, एट मीटर होगा। अब आपको डी फाइंड करना है क्योंकि डी जो होगा वही हमारा ए बी होगा, ए बी हमसे कह रहा है ना ए बी फाइंड करने के लिए, तो ए बी हमारा डी के इक्वल होगा, तो डी फाइंड कर लेंगे किस ट्रायंगल से, डी ई सी से। तो बस हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल फाइंड हम लिख लेंगे क्या फाइंड करना है, गिवन भी लिख लेंगे हम, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई सी में, इन ट्रायंगल डी सी में टेन एक्स डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर सी ई अपॉन बेस डी ई। टेन एक्स डिग्री की वैल्यू इसने गिवन की है हमें कितनी, 2/5, तो यहाँ पर 2/5 रखेंगे इक्वल्स टू 8 अपॉन डी ई। नाउ डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 8 इंटू 5 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 5 20, ओके ये हो जाएगी हमारी 20 मीटर क्या डी की वैल्यू। नाउ अब हम फाइंड क्या करेंगे इसमें, अब हम फाइंड करेंगे इसमें क्या, ये कह रहा है कि आपको एंगल फाइंड करना है, कब, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल व्हेन ही इज स्टैंडिंग 15 मीटर फ्रॉम द पोल, अगर वो पोल से 15 मीटर पहले खड़ा है, मतलब अभी खड़ा है यहाँ पर 15 मीटर मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस हमारा 20 आ रहा था, अब अगर वो कितना हो जाए हमारा, अब अगर वो कितना हो जाए 15 मीटर अवे हो जाए, ओके 15 मीटर अवे हो जाए तब इसका डिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा। तो 15 मीटर अवे हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते हैं पॉइंट एम, तो इसमें ट्रायंगल में देखेंगे अगर हम, इन ट्रायंगल सी ई एम में, सी ई एम में क्या होगा हमारा, टेन यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैंसिल करेंगे इसको, 15 8 को डिवाइड करेंगे 15 से पॉइंट लेंगे 0, 15 5 ज़ा 75, 5 आएगा हमारा, फिर 0, 15 3 ज़ा 45, फिर 5 आएगा हमारा, फिर 0, 15 3 ज़ा, तो 333 वैल्यू आ रही, 0.533 वैल्यू कहाँ पर होगी चेक कर लेंगे, वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.5333। देखते हैं चार्ट में, टेन के चार्ट में 5333 वैल्यू कहाँ आती है। देखो यहाँ पर टेन चार्ट है और यहाँ पर 533 वैल्यू कहाँ पर आ रही है हमारी, 5317 29 पर 5543 आ रही, तो इसके बीच में आ रही है हमारे 28 के, तो 20 और 29 के बीच में आ रही, तो इसका मीन्स हम नियरेस्ट में इसकी वैल्यू 533 किसके नियर ज़्यादा है 28 के, तो हम 28 वैल्यू लेंगे इसकी, ठीक है। तो नियरेस्ट में इसमें बोल रहा था ये गिव द आंसर टू द नियरेस्ट डिग्री, तो नियरेस्ट डिग्री में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी कितनी 10, 28 डिग्री और समथिंग मतलब मिनट्स में आ रही है वैल्यू, तो हम इसको नियरली किस में ले लेंगे 28 डिग्री में, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी, ओके, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी आपको प्रूव करना है। इस टाइप से कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ टू पॉइंट्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में इसमें क्या है हमारे पास, टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मीटर, जैसे मान लेते हैं ए मीटर पर है और ये बी मीटर पर है, ओके, ये ए बी सी डी, ओके, इन द सेम स्ट्रेट लाइन बोथ विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अगर इसको थीटा कहोगे तो ये 90 माइनस थीटा है, इसको थीटा कहोगे तो इसको ये 90 माइनस थीटा, किसी को भी आप थीटा और 90 माइनस थीटा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि प्रूफ दैट द हाइट, जो हाइट है इसकी डी सी, ये प्रूफ करके दिखाओ ये रूट ए बी है, ओके। कैसे करेंगे हम, दोनों ट्रायंगल लेंगे, वही यूज़ करते हैं हम, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी बी में अगर हम लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, डी सी अपॉन ए, ओके, ये हो गया हमारा। एंड ऐसे अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल डी सी ए में, डी सी ए में, तो ये कितना होगा हमारा टेन 90 माइनस थीटा, देखो वैसे कॉम्प्लीमेंट्री वाले आ नहीं रहे हमारे में, लेकिन फिर भी हम इसको कर रहे हैं डी सी ए, डी सी हमारा डी सी एंड ये ए बी हमारा कितना है बी। अब क्या करें हम दोनों को, हम दोनों को क्या कर सकते हैं यहाँ पर, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो इसको लिखेंगे कोट थीटा कितना डी सी अपॉन ए बी, डी सी अपॉन बी। अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो आप मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा टेन थीटा कोट थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल डी सी अपॉन ए इंटू डी सी अपॉन बी। अब टेन थीटा कोट थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि टेन थीटा कोट थीटा अगर ऐसी प्रॉपर होता है, कोट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा कह सकते हैं, इक्वल्स टू डी सी डी सी डी सी स्क्वायर और नीचे ए बी, ये कैंसिल हो गया, ए बी इधर आएगा, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर, तो डी सी की वैल्यू क्या आ गई रूट ए बी। ये डी सी तो हमें हाइट ऑफ फाइंड ही करनी थी, यही तो हमें हाइट ऑफ टावर प्रूफ करना था रूट ए बी के, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ओके गाइज। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कम्प्लीट हो जाता है, तो आगे के लिए हम जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए हम इतना रखते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अदर वीडियोज़ के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हो, ओके, थैंक यू।